कक्षा पाँच अबक सभी विद्यार्थी को सुप्रभात। विषय हिंदी पाठ चार सोच अपनी अपनी। विद्यार्थी मित्रों, यह पाठ चित्र पाठ है, चित्र पाठ। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए हिंदी की कक्षा पाँच की और पेज नंबर 20। सब अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए। पेज नंबर 20, पाठ चार सोच अपनी अपनी, एक चित्र पाठ है। विद्यार्थी मित्रों, आप सब अपनी पाठ्य पुस्तक में अपना ध्यान रखिए। तो एक चित्र दिखाई दे रहा है सुबह का, प्रकृति का यह सौंदर्य कितना अच्छा होता है सुबह सुबह, यह पाठ हमको सिखाता है। यह चित्र में प्रकृति की गोद में बसे गांव का चित्र है। सुबह आप देखो 5-6 बजे उठ जाओ और अपने गांव से कभी आप अपने खेत की तरफ जाओ तो ये प्रकृति का सौंदर्य आपको देखने को मिलेगा। सुबह का समय है, सूर्योदय हो चुका है, सूरज उगी चुक्यो छे और एकदम वहली सवारनु दृश्य छे। पक्षी दाना चुंगने जाते हैं तो बधा पक्षीओ दाणा चणवा माटे निकली पड़िया छे सवारना पोरमा। पक्षी पोताना घोंसलामां नाना नाना बच्चा एटले के पोताना घर माळामां जे नाना नाना बच्चाओ छे तेनी माटे दाणा लेवा निकली पड़िया छे। कब? सुबह सुबह। चरवाहे अपनी गाय लेकर चराने के लिए निकल पड़े। गामडामां घणा लोको ढोर राखे छे, गाय भैंस बकरीओ घेटाओ, પણ એ લોકો ચરવા નથી જઈ ચરાવવા નથી લઈ જઈ શકતા, એટલા માટે ગામમાં એક ચરવાહા એટલે એક માણસ, ખેડૂત માણસ હોય અને આ લોકો ગાયને ચરાવવા માટે ગોવાળિયા તરીકે એનું બિરુદ હોય છે ગામડામાં। બધાના ઘર આગળથી નીકળતા જાય અને બધાના ઢોર આગળ આગળ ચાલતા જાય। આખો દિવસ ડુંગરમાં નદી કિનારે બધે જ આ લોકો ઢોરને ચારે છે અને સાંજે સૂર્યાસ્ત થતા થતા પોતપોતાના ઘેર આવી જાય છે। આ રીતે ચરવાહા પોતાની ગાય લઈ અને ચરાવવા નીકળી પડ્યો છે વહેલી વહેલી સવારે। રાસ્તે કે એકદમ નજદીક એક બગીચા દેખાય દે રહા હૈ। સુબહ સુબહ ભાઈ ઓર બહેન ખેલને કે લિયે બગીચે મેં ગયે હૈ। સુબહ સુબહ એકદમ રંગબેરંગી તિતલિયા, જેને આપણે પતંગિયા કહીએ છીએ, તેને પકડવા માટે ભાઈ બહેન દોડે છે। સવારનું દ્રશ્ય છે, બાળકોમાં એકદમ સ્ફૂર્તિ ભરેલી છે। સુબહ કા સૂર્ય, પીછે પર્વત દિખાઈ દે રહા હૈ, પક્ષિયા ઉડ રહે, પક્ષી ઉડ રહે, ये कारण इतना मनभावन यह दृश्य है कि ना पूछो बात, सुबह सुबह का दृश्य है। तो विद्यार्थी मित्रों, गांव भी दिखाई दे रहा है, एक चरवाहा भी गाय चरा रहा है, एक कुत्ता रास्ते पे खड़ा है जो एक आदमी के पीछे पीछे जा रहा है। पीछे दो नारियल का पेड़ भी दिखाई दे रहा है, कुछ मकान भी दिखाई दे रहा है, मंदिर, गाँव में एक मंदिर तो होता ही है जहाँ सुबह और शाम आरती होती है, बच्चे बड़े बुजुर्ग लोग मंदिर पे जाते हैं। तो यह दृश्य प्रकृति की गोद में बसे एक गांव का, चारों बाजू पर्वत छोटे छोटे, बीच में से नदी बह रही है। तो यह चित्र पाठ है। अभी हम अभ्यास की तरफ देखें तो प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे? तो सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए जा रहे हैं।
चरवाहा क्या कर रहा है? चरवाहा अपनी गाय को चरा रहा है। नारियल के कितने पेड़ दिखाई दे रहे हैं? तो हमको नारियल के दो पेड़ दिखाई दे रहे हैं। चित्र में कितने घर हैं? तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखे, चित्र में देखे तो पांच घर दिखाई दे रहे हैं। बच्चों बगीचे में क्या कर रहे? तो बच्चे सब बगीचे में तितलियां पकड़ रहे हैं। चरवाहा के हाथ में क्या है? तो चरवाहा के हाथ में एक लकड़ी है। प्रश्न दो दिखे तो सोचकर बताइए, चरवाहा क्या सोचता होगे? अभी हम चित्र में देखे तो चरवाहा अपने आप ऐसा सोच रहा होगा, मैं कहाँ पे जाऊँ, वहां मेरी गाय को अच्छा चारा मिले, अच्छा पानी मिले। सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? तो सूरज निकलने पर प्रकृति का एकदम सौंदर्य हमको दिखाई देने लगता है। पक्षी भी दाना चुगने जा रहे हैं, चरवाहा अपने गाय को लेके खेत में जा रहा है। वो चरवाहा ऐसा भी सोचता होगा, हमको रोटी कब खाने को मिलेगी? तितलियां उड़ती क्यों है? तो हम यहाँ देखे तो तितलियां बगीचे में अपने खाने के लिए, मतलब फूल ढूंढने के लिए उड़ती है, और बच्चे उसके पीछे दौड़ रहे, यह भी कारण हो सकता है। तुम बगीचे में होते तो क्या करते? तो हम भी, मतलब आप बच्चे बगीचे में होते तो तितलियां के पीछे दौड़ते, फिसलन पट्टी पर जाते और तरह तरह के खेल खेलते। चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे एक चित्र है, पाना नंबर 21 पर, व्यापारी क्या ले जा रहा है। तो एक कहानी है कि एक टोपी वाला व्यापारी था, वह हर रोज आजू बाजू के गांव में अपनी टोपियाँ लेकर बेचने के लिए जाता था और अपने साथ खाना भी ले जाता था। एक दिन दोपहर हो गया था, एक बड़ा सा पेड़ के नीचे वो खाना खाने बैठा। मंद मंद पवन आ रही थी, व्यापारी को नींद आ गई। पेड़ के ऊपर कुछ बंदर थे, तो बंदर नीचे उतरे और सब एक एक टोपी लेकर पेड़ पर चढ़ गए। आधा घंटा के बाद व्यापारी की नींद में से उठ गया, तब देखा मेरी टोपियां तो है नहीं। अब नींद आ गई थी, क्या करे? कुछ देर बाद व्यापारी ने सोचकर अपनी टोपी निकाली और हवा में उछाल दी। तो बंदर ने भी अपनी अपनी टोपियां निकाली और सब ने हवा में उछाली, सब टोपियां जमीन पर आ गिरी। व्यापारी ने सब टोपियां को इकट्ठा किया और जल्दी से दूसरे गांव चला गया। तो ये कहानी के आधार पर हम, व्यापारी क्या ले जा रहा था? तो व्यापारी टोपियां ले जा रहा था। पेज नंबर 22, व्यापारी टोकरी क्या रखता है? तो व्यापारी टोकरी एक पेड़ के नीचे रखता है। पेड़ के ऊपर कौन है? तो पेड़ के ऊपर बंदर है। बंदरों ने टोपियों का क्या किया? बंदरों ने टोपियां अपने सर पर पहन ली। व्यापारी ने क्या किया? व्यापारी ने अपनी टोपी निकाली और हवा में उछाली। बंदरों ने टोपियां क्यों फेंक दी? बंदरों ने भी व्यापारी जैसा किया, नकल किया उसने कि ये कुछ कर रहा है तो हम भी कुछ करें। तो अपनी अपनी टोपियां निकाली और हवा में उछाल दी। और व्यापारी क्या कर रहा है? व्यापारी जल्दी जल्दी वो टोपियां को इकट्ठा करता है, अपनी टोपली में भरता है, टोकरी में, और वहां से जल्दी दूसरे गांव निकल जाता है। नीचे एक पेज नंबर 24 पर आप जाइए, वहां एक चित्र है। चित्र के आधार पर चार पांच वाक्य लिखना है। तो चित्र में पेड़ और पौधे दिखाई दे रहे हैं, पीछे कुछ पर्वत भी दिखाई दे रहा है। यह एक बगीचा का दृश्य है।
हरी हरी घास है, और भाई और बहन खेलने के लिए आया रहे। बगीचा में एक फिसलन पट्टी है, तो फिसलन पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी भी है, तो बहन सीढ़ी से होकर फिसलन पट्टी पे फिसल रही है, और पास में खड़ा उसका भाई बहुत खुश हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है। तो ये दूसरा चित्र में से भी हम ये चार पांच वाक्य लिख सकते हैं। पाठ चार आप अच्छी तरह देखिए, चित्र पाठ ही है, और चित्र पाठ से अपने प्रश्न के उत्तर भी लिखिए। तो आप सब पहले ये चित्र देखिए, उसके बाद अभ्यास का प्रश्नों का उत्तर लिखिए, चित्र प्रश्न भी है उसका भी उत्तर लिखिए, और प्रश्न चार में एक चित्र दिया गया है, चित्र को देखकर चार पांच वाक्य लिखिए। आभार।